सोना सोना मत जाओ। सोना तुम यहां क्या कर रही हो? सोना मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम यहां क्या कर रही हो? शौकत साहब, मेरी आपसे कॉफी शॉप पर मुलाकात हुई थी, याद है? मुझे फौरन बताओ यहां क्या चल रहा है। सोना यहां मेरी बेटी की देखभाल करती है। क्या यह सच है? सोना मुझे बताओ, क्या यह सच है? सच है। अभी चलो मेरे साथ। आप इजाजत दें तो मैं। मैंने कहा मेरे साथ चलो। बाबा ऐसा मत करें, प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं आपको सब समझा दूंगी बाबा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं वहां से बच्चे की देखभाल करती हूँ। मैं उस बच्चे की मदद कर रही हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे समझेंगे? मैं सिर्फ उस बच्चे की केयर टेकर हूँ और कुछ भी नहीं। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, आप मुझे बताने का मौका ही नहीं दे रहे। जब निजात साहब ने... कौन है आखिर निजात? ये वही आदमी है ना जो कॉफी शॉप पर शूटिंग के लिए आया था? तुम्हारा इस शख्स के साथ क्या रिश्ता है जो तुम इसका नाम लेकर पुकार रही हो? हाँ, मेरा उससे क्या रिश्ता होगा बाबा, वो बॉस है मेरा। तुम्हारा नया बॉस यानी तुम्हारा नया मालिक? हाँ, ये वही है ना जिससे माफी मांगने के लिए तुम गई थी, वही जिसकी वजह से तुम अफसरदा थी, रोती थी। तुमने तो मुझे यही कहा था ना कि तुम्हें किसी और होटल में जॉब मिल गई है। नहीं बाबा। बाबा क्या हुआ? हाँ आओ, तुम भी आओ। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बहन कहाँ होती है? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं वही टैक्सी लेकर गया था जिसमें तुम गई थी और तुम मुझे कहती रही कि तुम अनीसा खाला क्या आइसक्रीम देने जा रही हो। बाबा सोना कहाँ काम करती है, बस ये देखना चाहती थी मैं। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? बताओ, क्या मैंने ये परवरिश की तुम लोगों की? मैं रिफत पे गुस्सा होता हूँ कि वो क्या हरकतें करता रहता है। मेरी बेटियां उस डगर पर चल निकली और मैं बेखबर हूँ। सोना तुम मुझसे क्या क्या छुपा रही हो मुझे बताओ। देखे बाबा, मैं वहाँ पर सिर्फ माहिरा को संभालती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं उसे स्कूल छोड़ती हूँ, स्कूल से वापस लाती हूँ, मगर आप मेरा यकीन करें बाबा, मेरा निजात साहब से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तुम्हें निजात साहब के साथ ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। माहिरा का कोई मसला था इसीलिए मैं उनके ऑफिस गई थी, मगर मैं कसम खाती हूँ मेरा निजात साहब से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बस बहुत हो गया, अब मैं सायागिरी के बारे में नहीं सुनना चाहता। कुछ बताने का मौका ही नहीं दे रहे आप। हाँ ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस बहुत हो गया। क्या बात है आपकी आपा, आप पीछा क्यों कर रही थी? आपकी वजह से बाबा को पता चल गया। अब मैं कसूरवार हूं ये कहना चाहती हो तुम सोना? मामला थोड़ा सा उलझ गया है, मैं चाहकर भी रिफत भाई को रोक नहीं सकी, माफी चाहती हूँ मैं। बात वो नहीं है बुर्जू, बाबा ने निजात के साथ देख लिया मुझे। क्या, कैसे, क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या मतलब क्या कर रहे थे, सिर्फ बात कर रहे थे, खुदा हाफिज कहने गई थी। कहना जरूरी था? नहीं, बल्कि वो तो मुझे रोक रहा था और पैसे भी नहीं लिए मुझसे। सच्ची सोना, अब मुझ में और ताकत नहीं है ये सब करने की, हिम्मत भी मत करना। देखो बाबा को भी पता चल गया है। एक मिनट, क्या पैसे वापस नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, ये देखो। ये कहाँ से है? तहसीन साहब से, वो भी बहुत चीखने चिल्लाने के बाद। हाय मेरे जहेज के पैसे। आपा चुप करो, कहीं भाई ना सुन ले।
और बाबा की नज़र तो इस पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। वैसे ये बताओ कि उसने बकाया रकम भी वापस कर दी है क्या? नहीं, वो रकम तो मुझे हर हाल में लौटानी है, सोच लिया है मैंने। निजात साहब का मैसेज आया है, वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं। वल्लाह ये लड़की तो बात ही नहीं मानने वाली। मगर आपको मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना बुरजू। तुम भाई को कोई फुसूल फरमाइश मत करना प्लीज। देखो प्लीज, सिर्फ दो मिनट की तो बात है, मेरा जाना जरूरी है। उफ सोना, बस सिर्फ दो मिनट, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हाल है? ठीक हूँ बुर्जू, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। क्या आज तुम्हारा मूड खराब है? नहीं कुछ खास नहीं, बस मौसम की वजह से। एक बात कहनी थी मुझे, काफी दिनों से एक बात कहना चाह रही थी लेकिन तुमसे कह नहीं पा रही थी मैं। उस दिन मैंने गाड़ी में बहुत बुरा भला कह दिया था तुम्हें, माफ कर देना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उस बात को तो मैं कब का भूल चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमने कॉफी हाउस बचा के सबको हैरान कर दिया है ना, सही किया था ना मैंने। पता है क्या सोच रही थी मैं, कि माजरत के तौर पर तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। क्या वाकई? हाँ ना। चलो ठीक है, मैं आइसक्रीम जरूर खाऊं लेकिन मेरी तरफ से। देखो रिफत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पैसे तो मैं ही दूंगी। ठीक है चलो फिर, ठीक है ऐसा ही है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ फिर चलते हैं, आ जाओ। अच्छा फिर बाद में मिलते हैं। आते हैं थोड़ी देर में। कौन सी माफी की बात कर रही थी? अच्छा ठीक है, आपा जा रहे हैं। इनको हटो, जल्दी आ जाना वरना मैं तुम्हारे लिए परेशान होती रहूंगी, बहुत तंग करती है ये मुझे। हेलो, खुशामदीद, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्या तुम्हारी अपने बाबा से बात हो गई, सब ठीक है ना? हाँ कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो बहुत नाराज हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है, अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो माहिरा बहुत दुखी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम नहीं होती तो आज नहीं तो 3 महीने बाद यही होना था। तुम जाओगी और फिर से माहिरा दुखी हो जाएगी। एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो माहिरा को अपनी माँ के साथ पूरे 3 महीने मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ रहो लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अपने बाबा से परमिशन लेनी होगी। अगर माहिरा से ये वादा कर लें कि तुम 3 महीने उसके साथ रहोगी तो तुम्हें अपने बाबा को रजामंद करना। अगर मैंने पहले ही माहिरा के बारे में बाबा को बता दिया होता तो ये ना होता, ये बात छुपाई मैंने उनसे और अब सच उनके सामने आ गया, इसीलिए वो नाराज हैं, झूठ से नफरत है उन्हें और अब वो क्या कहेंगे नहीं मालूम मुझे। कहो तो मैं शौकत साहब से बात करता हूँ, तुम जानती हो कितनी अच्छी बात करता हूँ। जानती हो तुम कैसे बात करते हो। तो क्या ख्याल है? नहीं मैं खुद कर लूंगी, मैं उनसे आराम से बात करके सब समझा दूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी उन्हें, और वादा है ये मैं जरूर करूंगी माहिरा के लिए। ठीक है, अपने बाबा से बात कर लो तो मुझे बता देना। बता दूंगी। तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, मिलते हैं। तुमसे मैंने कहा था जल्दी आना, कहाँ घूमने चली गई थी? घूमने थोड़ी गई थी, बस बात करके वापस आ गई। चलो आओ, बाबा यहीं बैठे हुए हैं। अब कहाँ से आ रही हो तुम? माफी चाहती हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला बाबा, निजात साहब से मिलने गई थी। तुम निजात के साथ थी? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं? शौकत साहब गुड आफ्टरनून, हमें ठीक से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला तो सोचा उसकी तलाफी कर लूं, अगर मसरूफ नहीं तो कुछ देर बात कर सकता हूँ। आए बैठकर बात करते हैं। आओ चलिए।
पता नहीं ये अब उनसे क्या बात करेंगे। वो तो ये क्या कर रहे हो? मैं उनके लिप्स पढ़ रही हूँ कि क्या बोल रहे हैं, सबर करो। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। क्या संजीदा हो तुम? तुम चुप तो रहो ना, समझने दो कि वो क्या कह रहे हैं। आपा हमें उन्हें चाय कॉफी पूछनी चाहिए या नहीं? ये क्या तुम्हारा रिश्ता लेने आया है मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेहमान है हमारे, घर आए मेहमान से चाय कॉफी तो पूछना ही पड़ेगा ना। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? मेरे लिए कुछ भी नहीं शुक्रिया। और आप बाबा? मुझे भी कुछ नहीं। मैं भी नहीं चाहता था कि आपको इस तरह पता चले, लेकिन सोना कोई गलत काम नहीं कर रही। सोना एक मजबूर और लाचार बाप की मदद कर रही है और कुछ नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि एक बेटी का बाप होना क्या मायने रखता है, आप फिक्र मत करें। मैं आपको अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता हूं। इसका नाम माहिरा है, इसी महीने 6 साल की हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आपका बहुत शुक्रिया। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई, उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त था, अब थोड़ी बड़ी हो गई तो सुकून आ गया है, लेकिन मुश्किल अब भी है। माहिरा पहली बार किसी से इतनी मानूस हुई है। वो सोना के साथ बहुत खुश है, उनका ताल्लुक मैं बयान नहीं कर सकता। अपनी बेटी की इतनी अच्छी परवरिश पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। एक बच्चे को माँ के बगैर पालना कितना मुश्किल है आपसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन इसमें उनका क्या कसूर है? माँ के बगैर कोई बच्चा कैसे परवान चढ़ सकता है? मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ निजा साहब। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको अपनी परेशानियों से दोचार कर दिया। मैं उन गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूँ जो हमारे दरमियान हुई। अगर आप फैसला लेते वक्त बस एक बार मेरी बात पर गौर कर लें तो मुझे खुशी होगी। मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगा। मेरी बात सुनने का आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। हाँ कहो सोना। हाँ हेलो, क्या बात हुई आपकी, मुझे फिक्र हो रही है। मेरी अच्छी तरह बात हुई है, लगता है उन्हें मैं पसंद आया हूँ। अच्छा, बाबा ने आपसे कुछ गलत बात तो नहीं की? मैं चाहती हूँ बस वो माहिरा के लिए मुझे इजाजत दे दें। मैंने कहा ना ठीक से बात हुई, लगता है तुम्हारे बाबा उसकी इजाजत दे देंगे। सच कह रहे हैं आप? बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? बाबा आ रहे हैं, मैं फोन रख रही हूँ। बाबा से बात हो जाए तो मुझे फोन करना। ठीक है कर दूंगी। आ जाए बाबा। मेरी निजात से बात हुई है, मुझे वो शरीफ इंसान मालूम हो। जी वो बहुत ही शरीफ इंसान है। ठहरो मुझे बात पूरी करने दो। किसी के बच्चों का ख्याल रखना बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया का बेहतरीन काम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो बेटा। देखो तुमने कितनी अच्छी तालीम हासिल की है, तुम्हें कितनी जबानों पर उबूर हासिल है, सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं, और अब मैं तुम्हें ऐसी गलती की इजाज़त नहीं दे सकता। मगर बाबा माहिरा उदास हो जाएगी, वो मेरी आदी है। दूसरी आया आ जाएगी, उसको उसकी आदत हो जाएगी। आपको निजात साहब की हालत पर अफसोस नहीं होता? निजात अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है और मैं अपनी बेटी के। अब ये बात खत्म हो जानी चाहिए, समझ गई? बस खत्म, बिल्कुल। हैरी सब खैरियत तो है ना? मायरा कहाँ है? अपने कमरे में खामोश लेटी हुई है, हर 2 मिनट के बाद मैं जाकर देख कर आता हूँ। और आज तो उसने कोई शरारत भी नहीं की, बहुत उदास है।
मेरी जान क्या तुम सो गई? तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, इसका मतलब तुम जाग रही हो। एक बात बताऊं, मैं बहुत अच्छी मूवीज लेकर आया हूं, साथ मिलकर देखते हैं। नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं हूं मैं बस अकेले रहना चाहती हूं, बिल्कुल अकेले। माहिरा, अच्छा ठीक है, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों ऐसे उदास बैठी हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा सोना। तुम बाबा को नहीं जानती हो क्या? प्यार करते हैं वो तुमसे, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। किसी बुरे इरादे से उन्होंने मना नहीं किया होगा। वो तो ठीक है आपा, लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? क्या बात बढ़ा रही हूँ मैं? सोना, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन बाबा गलत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बचपन से कितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे? ये बनोगी, वो बनोगी, ऐसा करोगी, वैसा करोगी, दुनिया घूमोगी, मगर ये बेबी सिटिंग का काम कहाँ से आ गया? तो फिर माहिरा का क्या होगा? माहिरा के बारे में सोचना बंद करो सोना, पागल हो जाओगी तुम सच में। आपा मैं कैसे ना सोचूं? हाँ, वो क्या सोचेगी कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई? वो इस वक्त कितनी दुखी होगी। अगर मैं भी उसे छोड़कर चली गई तो उसका क्या होगा? मैं समझ सकती हूँ, मैं भी माँ के बगैर बड़ी हुई हूँ। कितना बुरा महसूस होता है, जानती हैं आप। हम जा कहाँ रहे हैं? सब्र करके बैठ जाओ तुम, तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ देखो, बस हमें यहाँ उतार दीजिए। उतरो। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं आपा? सोना, जब तुम पहली दफा यहाँ लेके आई थी हमें यकीन नहीं आया था। मेरी जान, ये है तुम्हारा ख्वाब। देखो, तहसीन से ली हुई रकम भी है मेरे पास। बस थोड़े से और पैसे डाल के इस जगह को, सोना, हम अपने ख्वाबों का आशियाना बना सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये भूलना मत। सुनो, अब तुम्हें ये जगह नहीं चाहिए क्या? भरोसा करो, मैं सारे काम कर लूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। आपा। हाँ, आप आ गई, कैसी हैं आप? सोना साहिबा, आपने कॉल की थी मुझे? कॉल मैंने की थी, हमने इस जगह को रेंट पे लेने का फैसला किया है। लेकिन अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो क्यों? क्यों, क्या हुआ? वो इसलिए सोना साहिबा, क्योंकि यहाँ आपके बाबा ने आकर बहुत गुस्सा किया। वो नहीं चाहते कि मैं आपकी कोई भी मदद करूँ इसमें। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि ये जगह मैं आपको ही दिलाऊँ, लेकिन ये सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आइंदा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब ये क्या है? बाबा ने, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी डे ऑफ डांस के बारे में ही बात कर रहे थे। जबरदस्त, मेरी बेटी तो बस इसी बारे में बात करती रहती है। अच्छी बात है। वैसे ये ड्रेस देख के बताओ कैसा लगा तुम्हें? खास तौर पर मेरी अम्मी ने अपने लिए भी ऐसा ही ड्रेस बनाया है। बहुत अच्छा है। वैसे आप लोगों ने इस बारे में क्या सोचा निजात साहब? आइलिन साहिबा और आप आएंगे ना? मैं खास तौर पर अपनी बेटी के साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है बेटा, क्यों ना हम टैंगो डांस करें? मुझे डांस नहीं करना, और वैसे भी मुझे ये सब डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी जान, इसका मतलब आप मुझे इनकार कर रही हैं?
लेकिन मेरा तो बहुत मन है, मान जाओ ना। मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता। क्या आपने स्टेट एजेंट को धमकी दी है बाबा? हमें देखकर तो वो घबरा ही गई थी। क्या तुम फिर से वहां गई थी? ये ले, लिखे इस पे। क्या चाह रही हो, क्या लिखूं मैं? यही कि मैं किससे मिल सकती हूँ, कहाँ जा सकती हूँ, क्या काम कर सकती हूँ। बल्कि बाबा आप इस पे ये भी लिख सकते हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, ताकि मैं उसके मुताबिक अमल कर सकूँ। ठीक है सोना, आप क्यों खोलना नहीं चाहते उस शॉप को बाबा? प्लीज आप मुझे इसकी वजह बताएं। अगर वजह मुझे समझ आ गई तो मैं वहाँ जाने का नाम नहीं लूंगी। अच्छा बस बहुत हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उस जगह पर कोई काम करो और न ही इस बारे में मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। अच्छा मैं जानती हूँ इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं वही करूँ जो आपको अच्छा लगता है। मसलन कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी तालीम के हवाले से कोई काम करूं, लेकिन मैं नहीं चाहती। आपको मेरी परवाह ही नहीं। आप मुझे बताएंगे आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूं। समझ आई तुम्हारे? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैं बड़ी हो चुकी हूं और अब आपको भी ये मान लेना चाहिए कि हम बड़े हो चुके हैं, हर चीज से रोक नहीं सकते हमें। जा रही हूं मैं। कहां जा रही हो सोना? अपनी जॉब पर जा रही हूं, निजात साहब के घर, माहिरा के पास। हाँ डिटेक्टिव का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? सरकार ये सोचने पर मजबूर नहीं करो कि तुम्हें बताकर गलत किया मैंने। ठीक है कुछ नहीं कह रहा तुमसे, लेकिन इस बारे में अगर तुम मुझे पहले आकर बता देती ना, तो मैं तुम्हें बता देता कि आइलैंड के नाम पर खत निजात ने लिखे थे। ये जानते थे तुम? हाँ ना, वो पागलों की तरह आइलैंड को ढूंढता फिर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था। यहाँ तक कि उसकी हालत देख के मैंने भी मजाक में कह दिया कि किसी को माहिरा की नकली माँ बना लो। तुमसे बिना शुबा ऐसे ही मशवरे की तवक्को की जा सकती है, हद होती है सरकान। तुम्हें निजात जैसे इंसान से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ देख क्या करता मैं भी, बहुत परेशान था वो, हर वक्त आइलैंड से राबता करने की कोशिश कर रहा था। वरना तुम ही बताओ हांदे, इतने सालों बाद आइलैंड को अपनी जिंदगी में वापस क्यों आने देता? माहिरा के लिए बस। जाहिर सी बात है माहिरा के लिए, और किसके लिए? क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ और नहीं तो क्या, ये तो साफ साफ नजर आता है कि वो दोनों माहिरा की वजह से साथ हैं। अब उन दोनों के दरमियान में क्या है ये मैं नहीं जानता। लग रहा था जैसे वो थोड़ा गुस्सा हो गया था मुझसे। जाहिर सी बात है वो तुम पे गुस्सा होगा, अच्छा होता तो आइलैंड को दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बना लेती, तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते। क्या उससे दोस्ती कर लेती, ये कह रहे हो? उस आदमी का कैफे हाउस मेरे जहन से ही निकल गया। किस कैफे की बात कर रहे हो? वही कैफे जहां निजात शूट करना चाहता था। वहां जो मसला था वो हल हो चुका है, अब हमें जाके देखना है। ठीक है मैं संभाल लूंगी। क्या वाकई? हाँ वाकई, रोबर्टो को वो जगह पसंद आई थी और निजात को भी, बस मुझ पर छोड़ दो। हाँ दे क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि तुम मुझे कितनी ज्यादा पसंद हो? पहली दफा है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया। सोना वापस आ गई मैं। तुम्हारे बाबा ने इजाजत दे दी? हाँ दे दी, बस 3 महीने के लिए। खुशी हुई सुनकर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। माहिरा कहाँ है? माहिरा? अम्मी। क्या हम बाहर जा सकते हैं? जी चलो बाहर चलते हैं। अफ्रीका में जो मेरी दोस्त है मैंने उससे बात कर ली है, मैंने उससे कहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो इजाजत दे दी आपको? हाँ दे दी, और अब अफ्रीका मेरी जगह कोई और जाएगा, अब हम 3 महीने एक साथ रहेंगे। 3 महीने में कितना वक्त होता है? बेटा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारी अम्मी को साथ घर लेकर चलें, साथ खाना खाएं, मूवी देखें, बल्कि हम एक ऐसा कैलेंडर भी बनाएंगे जिससे पता चल जाए कि 3 महीने में कितना वक्त होता है। मतलब कि आज कोई स्कूल नहीं? नहीं। तो फिर जल्दी से घर चलते हैं।
इन 3 महीनों में हम बहुत कुछ करेंगे, ठीक है अम्मी? बहुत मजा आने वाला है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे बहुत सारे माहिरा डेज करने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेंगे। मुझे गेम्स खेलनी है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, लेकिन मैं थक गई हूँ शॉपिंग कर करके। क्योंकि तुम एक जगह टिककर खड़ी नहीं हो सकती, मैं भी चकरा जाता हूँ। बाबा हम हॉर्स राइडिंग भी करेंगे, ये भी लिख देती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये भी लिखो। स्कूल में शो हो रहा है, मैं और अम्मी टैंगो डांस करेंगे। अंकल म्यूजिक तो प्ले करें। म्यूजिक प्ले करें क्या अभी? जी। अंकल म्यूजिक प्ले करें। कैसे डांस करना है? ऐसे, इस तरह। इस तरह से? जी। हाँ इस तरह, आहिस्ता आहिस्ता करके। हाँ हाँ ये जी, ऐसे ही, ऐसे ही करती रहें। जबरदस्त। बाबा आप आइए ना, आप अम्मी को ज्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं। तुम सिखा तो रही हो। आ जाइए। अरे बेटा तुम करके दिखा तो रही हो। आप करके दिखाइए ना। ऐसे। अच्छा ठीक है। मुझे करें। कर रहा हूँ। जल्दी से। चलो आ जाओ। अपना हाथ दो मुझे। अब क्या करना है? उल्टा हाथ मेरे कंधे पे रखो। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। खुद को मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है। उल्टा पांव आगे बढ़ाओ इस तरह। अब आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें घुमाऊंगा। जबरदस्त। अपने उल्टे पांव से शुरू करना, ठीक है? तुम्हारी अम्मी डांस में इतनी भी बुरी नहीं। हाँ थोड़ा बहुत आता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारी अम्मी को ना आता हो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। आप लोग इसी तरह ही करते रहे, मैं बस थोड़ी देर में आई। मैं जरा खाना देख लूं। सोना शुक्रिया। इन 3 महीनों को खूबसूरत बनाने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। ये माहिरा के हसीन तरीन दिन होंगे। जानता हूँ, वादा करती हूँ मैं। चलो आओ वहां बैठते हैं। ठीक है। घर के रूल्स तय कर ले फिर। हाँ बिल्कुल, रूल्स का होना बहुत जरूरी है। जो भी मन में आए कर मत बैठना। मेरी बात सुने बगैर गुस्सा नहीं करेंगे आप? कोई भी मसला दरपेश हो तो पहले मुझसे शेयर करोगी, समझ गई? कुछ भी छुपाना मना है। नहीं छुपाऊंगी, लेकिन हर एक चीज की रिपोर्ट भी नहीं दूंगी। ये सब माहिरा के लिए है। ये सब माहिरा की खुशी के लिए है। और हाँ बात बात पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जब आप ऐसी शक्ल बनाएंगे तो समझ जाऊंगी मैं। तुम्हें लगता है मेरा मुंह बन जाता है? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम जानती हो एक बाप सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब वो अपने बच्चे को खुश देखता है। उसके लिए शुक्रिया। सोना क्या तुम मेरी तरफ से अपने बाबा को इजाजत देने पर शुक्रिया अदा कर दोगी? हाँ कर दूंगी। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मैं बाबा को आपकी तरफ से शुक्रिया कह दूंगी। दरअसल मैं शौकत साहब को घर पर दावत देना चाहता हूँ ताकि वो देख सके कि तुम क्या करती हो। उन्हें इत्मीनान हो जाता है, लेकिन माहिरा के होते हुए मुमकिन नहीं। नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि माहिरा मुझे अम्मी कहकर बुलाती है। बहुत मसला हो जाएगा, उनका यहाँ आना ठीक नहीं है। माहिरा कहाँ है? अभी तक आई नहीं। जाकर देखें। चले। शायद ही कल रात ठीक से सो नहीं सकी।
रिफत। जी बाबा। मैंने तुम्हें कचरा फेंकने का कहा था या नहीं? ओ, वो तो मैं भूल गया, मैं अभी करता हूँ। रहने दो, मैं खुद फेंकाऊंगा। सानिया, तुम मुस्तकिल क्यों फोन इस्तेमाल कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा मेज के कवर कितने गंदे हो गए हैं? जाओ चेंज करो। देखो, आज ये दोनों बहुत गुस्से में हैं, और अगर आज यहाँ पर शूटिंग वाले आ गए तो ये भी हो सकता है कि बाबा उनके साथ भी गुस्से से ही पेश आए और निजात साहब को ये बात अच्छी ना लगे। बेहतर है कि वो लोग आज ना ही आए। रिफत, सानिया, दोनों यहाँ पर आओ जल्दी से। कहें बाबा। क्या हुआ बाबा? क्या यहाँ पर सारा दिन कोई काम होता भी है या नहीं? आखिर सारा दिन क्या करते रहते हो तुम लोग यहाँ पर? बाबा, वो तो सुबह ही बदल लिए थे, दोबारा से बदल लेती हूँ मैं। अगर गंदे हो जाए तो हमें बदलना पड़ता है। जी बाबा, बिल्कुल, आप बस हुक्म करें, हम काम करेंगे। जैसे तुम मेरा बहुत कहना मानते हो रिफत, कचरा फेंकने का कहा गया था, वो काम तो तुम कर नहीं सके, और वहाँ से कार्टन भी हटाने का कहा था तुमसे। और इस टोस्टर का हाल देखा है तुम लोगों ने? क्या इस गंदे टोस्टर में टोस्ट बनाएंगे? हाँ बाबा, वो तो सोना का काम था और सोना यहाँ पर है नहीं। अब ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम्हें सोना का जिक्र करने की क्या जरूरत थी बेवकूफ इंसान? देखिए आपा, बाबा और सोना को सुलह कर लेनी चाहिए, वरना हमारा यही हाल रहेगा।